दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आदर्श किसान मार्ट पर। दोस्तों, आज हम स्नेक प्लांट जो फुली इंडोर प्लांट है उसके बारे में जानकारी देंगे कि किस तरीके से आप इसकी कटिंग लगा सकते हो। दोस्तों, ये टाइम काफ़ी अच्छा है, सितंबर अक्टूबर और नवंबर माह में आप इसकी कटिंग लगा सकते हो और काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हो। तो ये स्नेक प्लांट है हमारा, पहले से हमने कटिंग से इसे तैयार किया था और इसको किस तरीके से आप लगा सकते हो वो मैं बताता हूँ। इसके जो आप ये बाहर के जो पत्ते हैं इसको आप काट सकते हो, इस तरीके से आप इसे काट ले। दो कटिंग में लगा के बताऊंगा। इसके आप जितने भी प्लांट्स हैं उनकी सारी कटिंग आप काट के लगा सकते हो, फिर भी ये वापस से ग्रो हो जाएगा। बट अभी इसको हेल्दी वापस प्लांट को वैसे के वैसे रखने के लिए दो कटिंग में काट रहा हूँ। ये दो कटिंग है, इसको और भी आप अगर छोटा करना चाहो तो इसको भी आप लगा सकते हो। इस तरीके से आपको ये कटिंग करनी है। तीन कटिंग हो गई, दो में लगा के आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसे लगाना है। सर्वप्रथम इसमें जो थैली है, बैग्स है मेरे पास में 8x8 का, 8 इंची तो चौड़ा है और 8 इंची बड़ा है। तो इसको हम गार्डनिंग सॉइल नॉर्मल जो मिट्टी है वही ही मैंने ली है इसमें, और कोकोपीट इसमें मिला हुआ है ऑलरेडी, ये गार्डनिंग सॉइल ही है। तो इसमें आपको भरना है, ये एक बैग मैंने भर दिया है। आप देख सकते हो ये दो कटिंग है मेरे पास में और ये दो बैग्स हमने भर लिए हैं। इसको लगाने का जो तरीका है, कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्टली सॉइल में इसे लगाना है। आप 1 से 2 इंची तक इसको गहराई में लगा सकते हो इस तरीके से। और अब इसमें हम पानी देंगे, आपको पानी देना है और सेमी एरिया जो है नेट हाउस उसमें आपको इसको रखना है। तो मिलते हैं दोस्तों जब ये ग्रो हो जाएगा उसके बाद में। तो दोस्तों, ये देख सकते हो 1 महीने बाद में जो स्नेक प्लांट अपन ने लगाया था उस पर क्या स्थिति है उसकी, आप खुद देख सकते हो। अब आप देख सकते हो ये जो हमने पत्ता इसके लिप्स लगाई है उसके साइड में से ये ब्रांच निकल गई है, नया प्लांट आपका तैयार हो गया। इसको किस तरीके से गमले में ट्रांसप्लांट करते हैं वो आपको बताता हूँ, और इसकी जो जड़ है उसकी कैसे ग्रोथ है वो भी आपको मैं बताता हूँ। इधर देखे, थैली को हमने इससे हटा दिया है और आपको इसकी ग्रोथ जो जड़ है वो बताता हूँ। अगर आप एक प्लांट भी लगा दोगे तो आपका गमला थोड़े दिनों बाद में काफ़ी अच्छी तरीके से ये ग्रो हो जाएगा और पूरा गमला भर जाएगा। आपको इसकी ये आप देख सकते हो रूट्स इसमें चल रही है, तो इसको हटा लेंगे और इसको आप लगाओगे तो इसमें दोबारा से आप इसे प्लांट तैयार कर सकते हो। आप देख सकते हो हमारा बैग था उसमें जो प्लांट था उसको भी देख सकते हो, और ये दूसरा इसमें साइड से एक प्लांट और तैयार हो रहा है। तो जो तैयार हो गया उसको निकाल लेते हैं और इसको वापस हम लगा देंगे। इसको लगाने के बाद में आप देख सकते हो इसमें रूट्स है और आराम से ये दूसरा प्लांट भी इसमें तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हो ये रूट्स जो हमारा बेबी प्लांट तैयार हुआ है उसे हम लगा रहे हैं इसमें, गमले में लगा देंगे। ये 6 इंची का गमला है उसमें आप लगा दें, और ये मैंने लगा दिया है। और जो रूट्स हमारे पास में बची थी वो इसमें लगा रहे हैं, जो हमारा पहले का जो बैग था उसमें लगा देते हैं, दोनों में लगा रहा हूँ। और इसमें 1 महीने बाद में भर भर के इसमें आराम से साइड से प्लांट्स आ जाएंगे और तैयार कर सकते हैं। अब इसमें पानी देना, आपको अच्छे से पानी दे दें इसमें, इस तरीके से आप पानी दें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।